हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे बात करने वाली हूँ, जो कि आज सबकी प्रॉब्लम है। एवरी ह्यूमन बीइंग, चाहे मेल हो या फीमेल हो, वो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं। ये प्रॉब्लम है हमारा वेट बढ़ने की और हम टमी बढ़ने की। हर एक को चाहिए कि फ्लैट टमी हो, फिगर अच्छी हो, वेट कंट्रोल में रहो, अपने हाइट के हिसाब से नॉर्मल वेट हो, जिससे कि स्मार्ट लगें और हेल्थ भी अच्छी रहती है, चुस्ती फुर्ती रहती है अगर ओवर वेट नहीं है तो। इसलिए हर एक की यही ख्वाहिश होती है किस तरह से अपना वेट सही रखें और टमी भी फ्लैट हो। उसके लिए मैं आज आपको बहुत इम्पॉर्टेंट टिप्स बताने वाली हूँ, और बहुत ही ईजी है और बहुत इफ़ेक्टिव है। उसको करने से आपको बहुत ही फ़ायदा होगा, लेकिन बात यह है कि आप उसको लग कर कुछ दिन करिए। कम से कम 45 डेज लग कर करें, लगातार करें, गैप नहीं करें कि दो दिन लिया और फिर इसके बाद छोड़ दिया, फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, तब उसका इफ़ेक्ट आपको दिखाई देगा। इसके लिए अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरे नए वीडियोस आपको मिलते रहें। अब वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए हम लेंगे क्यूमिन सीड, जीरा, एक चम्मच जीरा लेंगे। जीरा बहुत ही अच्छा होता है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और ये वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है। ये आपके ब्लड प्रेशर ठीक रखता है, आपका हार्ट स्वस्थ रखता है, आपकी स्किन और हेयर में शाइन देता है। तो जीरा जो है हम इसको यूज़ करेंगे आपके टमी फ्लैट के लिए। अगर हमको अपना टमी फ्लैट चाहिए तो उसके लिए हमें ये थोड़ा सा एफर्ट तो करना होगा। रात में आप एक चम्मच जीरा लीजिए, 1 टीस्पून जीरा लें और एक ग्लास पानी में उसको भिगा दें। कुछ लोग उबाल के भी उसका इंस्टेंट बनाते हैं, लेकिन ये वाला ज़्यादा कन्वीनियंट है और हेल्पिंग भी होगा आपको ज़्यादा। तो आप इसको रात में भिगो दें, एक ग्लास पानी में उसको ढक के रख दें और मॉर्निंग में उठ के उसको आप छान लीजिए और उसको थोड़ा गर्म कर लें, उसमें 1 टीस्पून हनी डाल दें और उसको फिर आप मिक्स करके पी लें। ये आपको एम्प्टी स्टमक करना है, उसके 1 घंटे तक आपने कुछ भी नहीं खाना है। जितना पानी पी सकते हैं उसे 1 घंटे में पानी पी लें, लेकिन खाना कुछ नहीं खाना है। 1 घंटे बाद आप ब्रेकफास्ट करिए। ब्रेकफास्ट में ध्यान रखिए कि जंक फूड है, फ्राइड चीज़ें हैं, शुगर है, मिठाइयाँ हैं, ये सब नहीं खाइए। नॉर्मल ब्रेकफास्ट करें, चपाती या सैंडविच या जो भी लाइट ब्रेकफास्ट है, रागी डोसा खाएँ या रागी चपाती, वो बहुत ही अच्छा है। और आप सब्ज़ी ले सकते हैं साथ में। उसके बाद आप जो है लंच करेंगे। लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में आप 1-2 फ्रूट ले लें, कोई भी फ्रूट जो कि वेट ना बढ़ाता हो, मैंगो और बनाना अवॉइड करें। फिर लंच आप नॉर्मल लीजिए, कर्ड लें, 1 बोल कर्ड, 1 बोल दाल एंड 1 बोल बॉइल्ड वेजिटेबल्स एंड 2 पतली चपातीज, ये लंच आप लीजिए। इसमें कोई भी आप तला भुना नहीं खाइए, और मिठाइयाँ भी इससे भी दूर रहिए, वाइट शुगर से दूर रहें, मैदा की बनी हुई चीज़ें नहीं खाएं। इसके बाद आप इवनिंग में फिर से वो जीरा टी लीजिए। मॉर्निंग में जब आपने जीरा टी पी थी तो उसके उसी समय आप 1 चम्मच जीरा और 1 ग्लास पानी में भिगा के रख दीजिए। फिर वो शाम को उसको छान लें और उसमें फिर 1 टीस्पून हनी मिला के गर्म हल्का गुनगुना उसको पी लें। थोड़ा थोड़ा गर्म होना चाहिए, उसको पी लीजिए। अगर उसके बाद भी आपको भूख लगती है तो आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, कुछ भी, बादाम है, अखरोट है, किशमिश, और ये मखाना भी ले सकते हैं, या ग्राउंडनट, और कुछ नहीं है तो ग्राउंडनट ही आप रोस्ट करके बिना ऑयल डाले, बिना सॉल्ट डाले, हल्का सा सॉल्ट डाल सकते हैं, आप ग्राउंडनट ले सकते हैं। ग्राउंडनट काफ़ी फीलिंग होता है और बहुत देर तक आपको भूख नहीं लगेगी। उसके बाद आप डिनर में अपना नॉर्मल डिनर लीजिए। अगर आप मिक्स वेजिटेबल सूप लेते हैं तो बहुत अच्छा है, या मैंने जो दाल का सूप आपको बताया था वो आप लीजिए। दाल में, तूर दाल में सभी तरह की सब्जियां वगैरह डाल के, प्याज टमाटर सब कुछ डाल के उसको आप सूप की तरह बना लें, और सब्जियां भी आपको मिल जाएंगी, दाल भी मिल जाएगी। दाल में प्रोटीन होता है, रात में प्रोटीन खाने में बहुत अच्छा है, उससे वेट लॉस में हेल्प मिलती है, मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है। तो अगर दाल के आप 2 बोल भी पी लेंगे सूप तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप सिर्फ ये दाल का सूप पीते हैं सब्ज़ी के साथ तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं फिर भी भूख लगती है तो आप 1 चपाती ले सकते हैं पतली, और डिनर आप 8:30 बजे तक ले लिए श्योर।
उसके बाद आप अपना वाटर जितना पी सकते हैं दिन भर में, कम से कम 3 से 4 लीटर वाटर पीजिए। और ये आप प्रोसेस जो है ये पूरा अपना रूटीन आप कम से कम 45 डेज करें, फिर हम मुझे बताइएगा कि आपका वेट कितना कम हुआ, कितने इंच लॉस हुए। मैं कुछ भी दावा नहीं करती हूँ कि इतना वेट इतने ग्राम किलोग्राम कम होगा या आपका इतना इंच लॉस होगा। आप खुद मुझे बताएंगे इसके रिजल्ट्स कमेंट बॉक्स में, जब मेरा 45 डेज़ के बाद मेरा कोई वीडियो आएगा तो उसमें आप ज़रूर इसके बारे में मेंशन करिएगा। तो इस तरह से ये बहुत ही इजी है, और कुछ ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स किसी की जीरा ही मेन है जो आपको चाहिए होगा, और बड़ी आसानी से आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी करिए, हो सकता है किसी के काम आ जाए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, आई लव यू।